लगा दीजिए। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे बोलो? स्टेबिलिटी ऑफ देख लिए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दिए थे किसका बनाने के लिए तुमको, CO2 का बना लिए, CO2 का बनाए, बोलो जी, CO2 का बनाए, कैसे बनेगा? यही है ना तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट करके आएगा यहाँ पे इस पे, और वो चला जाएगा ऑक्सीजन के वैलेंट ऑर्बिट पे, ठीक है। यानी एक तरह से तुम्हारा जो अगला वाला जो है वो कैसा बनेगा, O पे आएगा पॉजिटिव ये C, और ये ट्रिपल बॉन्ड O पे आएगा तुम्हारा नेगेटिव। बात समझ में आया? देख लो जरा सा ये किस तरीके से हो रहा, ठीक है। सॉरी ये उल्टा कर दिया हम, ये आएगा पॉजिटिव और ये आएगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। ये वाला टूटेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा वो नेगेटिव, और इसका जो क्या है लोन पेयर है ना, और कार्बन पे देखेगा क्या पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, क्या बोले थे कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज में भी क्या रहता, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ है क्या, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ओ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करेगा कार्बन, और ओ पे क्या आएगा तुम्हारा नेगेटिव। समझ आया, ठीक है। तो ये इसके हो गए क्या, आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि आर एच की बात करें हम, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, तो फिर कैसे बनेगा, एक रहेगा कार्बन। अच्छा इसका खास बात यह है ना कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, वो इसका एक्सपेरिमेंटल कितना है तुम्हारा, दो, कितना है, टू, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर आता है इसका टू, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टू, यानी ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ टू, ठीक है, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कार्बन एटम जो रहेगा, कार्बन एटम फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ईच ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन है, यानी टोटल बॉन्ड कितने होंगे, चार, ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ तुम्हारा कितना बॉन्ड है, टू, ठीक है, यानी कि हर एक के बीच में तुम्हारा दो बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, टू, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात करें बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होगा, टू, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बात करें तो कितना होगा, टू, तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना है, टू ही तुम्हारा होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना है, टू, लेकिन तो यानी कि ये भी तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर रहे वो कितना रहे, तुम्हारा टू आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करता है, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है उसका सारा प्रॉपर्टी को बताने वाला कौन है, तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड, वही है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड जो रहता है वो सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो इसका आर एच ऐसे बनेगा कि कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दोनों में जो कॉमन है, देखो कॉमन क्या है दोनों में, सिंगल बॉन्ड दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड दे देंगे ऑक्सीजन, और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है दोनों में, तो पहले डबल बॉन्ड दोनों में रहता था तो डॉट 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 देते थे ना, अब ट्रिपल बॉन्ड दोनों में है तो लो डॉट 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 यहाँ दे दिए। इस प्रकार से जो है इसका क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ध्यान में रखना। और अभी देखो तो एक बॉन्ड तो पक्का फिक्स है, और ऊपर से हाफ और नीचे से हाफ, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तुम्हारा, टू, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी सी एच टू प्लस एफ, सी एच टू प्लस ए है ये, बी सी एल, सी में तुम्हारा सी एच टू प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बी आर, और डी में है तुम्हारा सी एच टू प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई, ठीक है। तो बताओ तुम्हारा यहाँ पे, कौन सा होगा स्टेबिलिटी, किसकी ज्यादा होगी, बोलो जी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, किसका पहले होगा किसका बाद में होगा,
ये सी एच टू प्लस एफ वही होगा ना आंसर होगा तुम्हारा ए बी सी डी। ऐसा क्यों? क्या माइनस आई तो तुम्हारा और उसको ये करेगा। यहाँ पे कैसे बैक बॉन्डिंग वाला वो नाली की कहानी बताए थे। अरे बोलो तो उसमें क्या बताए थे? सेम क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, बस अभी दे दिए तो फिर भूल गए। सेम क्वेश्चन करवाया हुआ दोबारा दे दो, वो भी नहीं हो पा रहा है, है? ये तुम्हारा कौन सा हो जा रहा है? तुम्हारा सी एच टू पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव के बगल में यदि लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा? ये सी एच टू डबल बॉन्ड एफ, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। न्यूट्रल वाले ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या आएगा? पॉजिटिव, बताया ना कल। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? सी एच टू डबल बॉन्ड तुम्हारा सी एल, और इस पे आएगा पॉजिटिव। ये क्या बनेगा कोऑर्डिनेट करने के बाद? सी एच टू डबल बॉन्ड बी आर, और ये रहेगा पॉजिटिव। और ये क्या बनेगा कोऑर्डिनेट करने के बाद? सी एच टू डबल बॉन्ड तुम्हारा आई, और ये रहा पॉजिटिव। और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, बैक बॉन्डिंग करने के बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज यदि हैलोजन फैमिली है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखो, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, ये याद होना। ये दूसरा बार हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, है, फिर भी भूल जा रहे हो। कॉन्सेप्ट को याद रखो, नहीं तो ऐसे तो फिर अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ना बाकी है। चलो जी बताओ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, चलो बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, बाकी बेंजीन रिंग तो सब में फिक्स है, कॉमन है, और तो डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस है यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसमें सी एच थ्री है, इसमें सी डी थ्री, इसमें सी टी थ्री है। तो सी एच थ्री सी डी थ्री और सी टी थ्री क्या शो करता है? बोलो जी क्या शो करता है? प्लस आई, भूल गए हैं, भूल गए, और उसमें बोल रहे हो हाँ किसका प्लस आई ज्यादा होता है, टी का या सी टी थ्री का? सी टी थ्री का ज्यादा होता है ना, प्लस आई ज्यादा होता है। प्लस आई क्या बोले थे? प्लस आई तुम्हारा जो रहेगा वो सी टी थ्री, ग्रेटर देन तुम्हारा रहेगा सी डी थ्री, ग्रेटर देन रहेगा तुम्हारा सी एच थ्री। समझ में आया? ये चीज तुम्हारा बताए हुए हैं। तो यहाँ कुछ आप पॉजिटिव चार्ज किसको स्टेबलाइज, प्लस आई किसको स्टेबलाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज को लिखवाया ना, प्लस आई स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस आई स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? स्टेबल करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? डी। डी के बाद कौन करेगा? सी। सी के बाद बी, और बी के बाद ए। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? डी सी बी ए। हो गया? चलो जी उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ये थोड़ा हम लोग और ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन,
टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन जो होता है उसमें पहला जो होता है एक होता है तुम्हारा नॉर्मल कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तीसरा जो रहता है उसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा? नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डालना नॉर्मल कॉन्जुगेशन, उससे पहले जो कॉन्जुगेशन पढ़े हैं वो भी है, ठीक है, वो भी अवेलेबल है साथ में ही। अब हम लोग और थोड़ा सा उसको डिटेल में देख रहे हैं, नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है तुम्हारा कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन एक तरह से कहो कि वन कॉन्जुगेशन सिस्टम ऐसा, ठीक है, वन कॉन्जुगेट सिस्टम। वन कॉन्जुगेट सिस्टम का कहने का मतलब क्या हो गया इस बात का? जैसे कि सी एच टू निगेटिव सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये देखो डबल सिंगल डबल, दैट इज कॉल्ड वन कॉन्जुगेट सिस्टम। समझ में आया? एंड निगेटिव को क्या माने? निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इतना दूर तक है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। केवल और केवल क्या रहेगा? एक ही कॉन्जुगेशन तुम्हारा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल कॉन्जुगेशन सिस्टम, ठीक है। और नॉर्मल कॉन्जुगेशन सिस्टम में हैविंग टू आर एस, हैविंग टू आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? केवल दो, देख लो, एक ये और एक बार और ट्रांसफर करोगे तो एक बार और बनेगा। बात समझ में आया? दूसरा लिखो तुम्हारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होता है कॉन्जुगेट सिस्टम मोर देन वन कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है, मोर देन वन कॉन्जुगेट ठीक है, मोर देन वन कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? मोर देन वन कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा सी एच टू नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड, और ये ओ, देखो इसमें देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? कॉन्जुगेट सिस्टम का, सॉरी एक्सटेंडेड का। किसका हो गया एग्जाम्पल तुम्हारा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। सिंपल, यदि सिंपल है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब सिंपल सिंपल एक बार यदि हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको? नॉर्मल कॉन्जुगेशन। मोर देन वन बार हुआ, वन कॉन्जुगेट सिस्टम रहा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या होगा? मोर देन टू आर एस, दो बार से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम, ठीक है। अब कहीं कहीं ये भी होता है तुम्हारा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन द बोलो नॉर्मल कॉन्जुगेशन, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज द मोर इफेक्टिव देन द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, लेकिन ये कहें तो दोनों सही है अपना अपने जगह पर। अब कैसे? ये इफेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि जिसमें एक तरह से ज्यादा स्टेबिलिटी आए। रेजोनेंस से क्या होता है? स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि जो चार्ज रहता है वो एक ही जगह उसको नहीं रखता है, डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने से स्टेबिलिटी आई। कैसे? क्योंकि एक जो चार्ज है, एक जो निगेटिव था, वो एक कार्बन पे नहीं रहा, वो पांच पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बताओ निगेटिव कितना रहेगा? 1/5 सब पे जाएगा। तो क्या एक पे लोड आ रहा है क्या? निगेटिव या पॉजिटिव क्या बोले थे? दुख है। अब किसी पे एक कंप्लीट 100 केजी का दुख नहीं है, अब समझ लो कि पांच जगह वो बट गया तो क्या हो जाएगा? समझ में आया मेरा बात क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड की,
क्योंकि जो उसका दुख रहता है एक तरह से वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया? तो ये चीज भी ध्यान में रखना तुम्हारा, कहीं कहीं तुमको ये भी मिलता है कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब तुम जैसे कि लिखो, ठीक है, अब देखो जैसे कि हम ये वाला पहला सेंटेंस क्या बोले कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द, बोलो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, या फिर ऐसा समझो दूसरा वाला क्या बोले थे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन। तो दूसरा वाला जो शब्द है वो कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बताओ रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में, बोलो किसमें ज्यादा होगा रेजोनेंस? बोलो रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगा? चलो यहां भी यदि हम कर देते हैं ओ, सपोज दैट ओ ले लेते हैं। अब देखो बताओ रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में, किसमें ज्यादा होगा, सेकंड में। ठीक है, तो रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन। लेकिन अब देखो दूसरा इसका पहलू समझो कि एक तो एग्जांपल, अब इसके जगह एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं CH2, ठीक है, और वो एग्जांपल सेम रखते हैं, तो रेजोनेंस होने के बाद पूरा यदि हम कर दें तो क्या होगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, निगेटिव चार्ज यहां जाएगा, यही होगा ना, यानी कि ये क्या तुम्हारा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, सेम वही तो हो गया। और इसमें तुम्हारा रेजोनेंस होने के बाद क्या बनेगा, देखना तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज देखो कहाँ है, इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, विच वन इज मोर स्टेबल, कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे। अरे दोनों सेम स्टेबिलिटी का भाई, अभी भी तुम लोग जो है ना गड़बड़ कर रहे हो, क्या बोले हैं कि ग्रुप देखो और पीरियड देखो, सेम पीरियड का है या सेम ग्रुप का है, कार्बन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं या सेम ग्रुप के हैं, अरे बोलो भाई सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के हैं, तो पीरियड के है ना, सेम पीरियड के लिए क्या चेक करने बोले हैं, अरे पढ़ते उड़ते हो कि छोड़ दिए हो, नहीं पढ़ते हो तो यहाँ चिल्ला के मेरा कोई फायदा नहीं होगा, अब पहले बोले हैं पुराना वाला पढ़ के आया करो, और नहीं तो यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बोल रहे हैं कुछ एकाद ऑर्डर दिया हुआ माइनस आई का प्लस आई का एसिडिक स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत दिया हुआ, उसको कहते हैं याद करने, उतना भी नहीं होता, बोले को नीट निकालेंगे और जेई करना है, इधर आलू आ रहा था तो सब बना के खा नहीं लेता, मजाक समझ के रखे, पढ़ के आया करो। अभी पूछेंगे माइनस आई वाला तो फिर भूल गया होगा, ये लाइन लिखवाया था ना जी कि नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, लिखवाया है ना, याद होना चाहिए ना, बार बार तो यूज हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी लिखवाए हैं पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी हाईली स्टेबल। क्या होगा जी रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ स्टेबिलिटी, क्या नेगेटिव चार्ज, तीसरा पॉइंट क्या है,
बताओ जी। बताओ बताओ जी पीछे। बाल की चिड़िया का घोंसला तुम्हारा है। चलो पीछे चलो बढ़ते जाओ आगे पीछे। क्या फिर जो बोलो शुरू से फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट से। क्या क्या बोलो जी। चलो पीछे और पीछे। एक दिन में एक पॉइंट याद हुआ। चलो जी आगे। वाह वेरी गुड। क्या कर रहे हो जी घर में तुम लोग? क्या कर रहे हो केवल जाकर के हैं? सो भी लेट से आना है तो मस्त आराम से सोते होगे 10 बजे तक है। मजाक मत बनाओ नहीं तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा कुछ समय बाद। एक घंटा भी पढ़ते ना सही से तो हो जाता। एक घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो। अपना खुद नहीं पढ़ते हो, अपना भी टाइम बर्बाद करते हो और यहाँ मेरा भी बर्बाद करते हो। कल बिना याद किए हुए ध्यान में रखना क्लास में नहीं बैठेगा। माइनस आई हो गया, प्लस आई हो गया, तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, जितना हम कहें पॉइंट याद करने के लिए। याद नहीं हुआ है तुमसे क्लास में आना ही नहीं। समझ में आ गया ना? बाहर रहना, बैठना ही नहीं क्लास में। कल तो उधर बैठना है ना तुमको। हम तो उधर भी नहीं बैठना है, आकर के पूछेंगे। अब वही बैठेगा क्लास में जो याद करके आया है। कहा के बिना याद किए हुए भी तुम पढ़ के भी अभी जो पढ़ा रहे हैं ना वो तुम्हारे भेजे में घुसने वाला नहीं है। मजाक बना के एकदम रख दिया हो। एक साल मुश्किल से तुम्हारा बचा हुआ है और उसमें भी जो है तुम्हारा अलग चल रहा है अभी। बैठो। ऐसे ही बिना पूछे पढ़ा के निकलना तो बोलो पढ़ा के चले जाते हैं ना। तुमसे कुछ पूछेंगे ना बोलेंगे। अपना कर लेना, अपना समझ लेना। यहाँ ओ पे क्या है? निगेटिव है। और इस कार्बन पे क्या है? तुम्हारा निगेटिव है। और हम लोग क्या पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। इस तरीके से यदि हम लोग जाएं तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन यानी कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये हो जाएगा। यानी दोनों बातें जो है अपने जगह पे क्या हो जा रही है? सही हो रही है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन एज वेल एज नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लेकिन इसका ज्यादा उतना ज्यादा हमारे लिए एप्लीकेशन नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्ड पॉइंट दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। हेडिंग डालेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन।
पढ़ लो, समय कम है, समझ में आया ना? अरे तो फिर रिपीटर बैच में एडमिशन ना लेना पड़े, उसमें भी कुछ नहीं होगा, यहाँ नहीं पढ़े तो वहां तो और कुछ नहीं होगा। जैसे सी एच टू निगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ रहा है ओ सी एच थ्री, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि ओ पे निगेटिव है कार्बन, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है? और देखो इधर से भी रेजोनेंस में है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है? तो डबल बॉन्ड किधर टूटेगा, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? किधर टूटेगा जी डबल बॉन्ड, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? कार्बन की तरफ। किधर टूटेगा, किधर टूटेगा जी? किधर टूटेगा भाई, किधर टूटेगा? तो जब पढ़ाते हैं बताते हैं तब कहाँ दिमाग रहता है, केवल बताओ जी लास्ट किधर टूटेगा? बैठ बैठो, कोई बताएगा क्या किधर टूटेगा बॉन्ड, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? अरे किधर टूटेगा बॉन्ड है? ऑक्सीजन की तरफ। कैसे, क्यों है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। भांग खा गया है क्या? किधर टूटेगा और क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या कार्बन? तो शकल देखे समझ में आता है तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। बोलो जी पीछे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन या कार्बन है? कितना होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू? तो क्यों दिए, कितना बार बोर्ड पे लिखे हैं? कम से कम दो बार को लिखे हैं, दो बार बोर्ड पे लिखे हैं, और ज्यादा ने छह या सात दिए हैं केवल याद करने। फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, तुम्हारा कार्बन का, हाइड्रोजन का, छह गिन करके, जिसमें दो का कॉमन है। क्या तुमको क्या लग रहा है, सब नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद रखेंगे पॉइंट्स को? आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, बनेगा? ऑनलाइन वाले में तो 160 में 160, 180 में 180 भी लाते थे, 170 लाते थे, 160 लाते थे, और यहाँ एग्जाम देते हो तो लाते हो -24 नंबर, इतना भी आता है किसी का? बताओ जी कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, क्या होगा? बताओ कितना होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू? बोलो जी पीछे, कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू? बताओ 3.5। फ्लोरीन का, कितना होगा फ्लोरीन का? कार्बन का कितना होगा? हाँ 3.5 कार्बन का।
पढ़ पढ़ बट कुछ एक चीज भी याद है तुमको? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? कैसे पढ़ोगे भाई? हैं? तो हम भी पढ़ाए जा रहे हैं पूरा एकदम, अब तुम्हारा यहाँ सन्नाटा है पूरा, जीरो बटा सन्नाटा। कल सब का सब चीज जो पढ़ाया हुआ है याद नहीं करके आया अभी तक का, तो फिर क्लास में मत बैठना, क्योंकि कोई काम का नहीं है, यूजलेस होगा फिर। इससे बढ़िया घर में बैठना, आराम करना, ठीक है? जब तक याद ना हो तब तक मत आना। और लेक्चर तो ऑनलाइन जा ही रहा है, तो फिर बाद में देख के कवर कर लेना, और जब तक पूरा ना याद ना हो जाए आना ही मत, कोई काम का नहीं है। क्या पढ़ाएंगे जब तुमको कुछ याद ही नहीं हो रहा है? क्या समझ में आएगा तुमको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अभी तक, अरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, आयनिक परसेंटेज वगैरह सब वहां रहता है। वहां चलो, वहां तुम नहीं पढ़े होगे, बहुत दिन हो गया होगा, यहाँ तो हम बताए हैं ना जी, चैप्टर स्टार्ट किए उसी दिन पढ़ाए हैं, बताए हैं कि एटलीस्ट इतना तो याद कर लो। बैठो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, और ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन पे क्या जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो सबसे पहले पॉजिटिव ये निगेटिव भी भागेगा इधर की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, और ये लोन पेयर भी बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा, तो दोनों में क्या होगा? क्रॉस होगा। दोनों में क्या होगा? क्रॉस होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा जब भी ये रेजोनेंस में जाएगा तब, ठीक है? यानी कि मान लेते हैं तुम्हारा इस वाले पार्ट को मानते हैं यदि हम ए, ठीक है, इस वाले पार्ट को यदि हम मान लेते हैं बी, और इस वाले पार्ट को मान लेते हैं सी, ठीक है? तो जब ए और बी कॉन्जुगेशन में है, बी और सी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ए और सी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ए और सी कॉन्जुगेशन में नहीं है, देखो निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड है, फिर आया है लोन पेयर। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर आया लोन पेयर। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है? ये सब पढ़े हो ना, और भी टाइप पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इफ ए एंड बी इज इन कॉन्जुगेशन, बी एंड सी इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन, बट ए एंड सी इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि ये क्या हम बोले कि ये सी एच टू निगेटिव, ये देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ सी एच थ्री, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव निगेटिव यानी कि ये निगेटिव इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये वाला भी जो लोन पेयर है वो भी क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो दोनों क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है आपस में एक दूसरे से। तो जहां क्रॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है? लिखो, इसको बना लेना। लिखो इफ एंड बी, लिखे
बोलो जी, इफ एंड बी इज इन कॉन्जुगेशन, इफ ए एंड बी इज इन कॉन्जुगेशन एंड बी एंड सी इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन एंड बी एंड सी इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन बट ए एंड सी इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, बट ए एंड सी इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन. अब देखो इसमें भी कभी कभी बात आता है कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन. नॉर्मल कॉन्जुगेशन से इसका रिलेशन रिलेट किया जा रहा है. क्या क्या बोले हम कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन, और कभी कभी ठीक है क्रॉस कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कॉन्जुगेशन. लेकिन बात है कि दोनों सही है, ठीक है बात है कि दोनों सही है. जैसे कि ये समझो जरा सा क्वेश्चन है, सी एच टू निगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ, और ये देखो सी एच थ्री, ये है ए और ये तुम्हारा बी, दैट इज सी एच टू निगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ सी एच थ्री, देखो ठीक है. ये तुम्हारा क्या है, कौन सा कॉन्जुगेशन है, नॉर्मल है क्रॉस है क्या है बोलो. ये ऊपर वाला क्रॉस है, कैसे क्रॉस कर रहा है, क्या है ऊपर वाला, नॉर्मल है ना, डबल सिंगल डबल इधर तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, और ये तुम्हारा क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है. तो बोलता क्वेश्चन में बोलता क्या है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है. तो फाइंड द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना, कैसे निकलेगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ निकालना है. समझो यदि ये हम कहें कि ये जैसे ही गया था ऊपर, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा ये अपना क्या करेगा, निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा. समझ में आया, क्लियर है ना, देखो. लेकिन ये जैसे ही ऊपर आएगा ये भी इधर आना चाहेगा और ये भी इधर आना चाहेगा, दोनों में क्या होगा क्रॉस. तो डबल बॉन्ड कहां अच्छे से बनेगा, यहां बनेगा ए में या बी में, ए में बनेगा, बी में तो क्या हो रहा है क्रॉस, और क्रॉस होने के कारण डबल बॉन्ड बनेगा लेकिन उसका उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है. डबल बॉन्ड पूरे तरीके से अच्छा नहीं बनेगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा एज कंपेयर टू ए. तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कहां ज्यादा है, इसमें क्या है, कैरेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड इज मैक्सिमम, डबल बॉन्ड इज मैक्स, ठीक है. इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका है, इसमें मिनिमम, इस पोजीशन पे खास करके ध्यान में रखना. डबल बॉन्ड कहां ज्यादा हो रहा है, ए में, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, अरे डबल बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा कि कम होगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड ज्यादा तो क्या बोलते हैं ये, बॉन्ड लेंथ तुम्हारा ज्यादा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, पढ़े हो ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द ट्रिपल बॉन्ड. अरे सिंगल बॉन्ड है तो दूरी ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड है तो दूरी कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और दूरी कम होगा. तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, ए में या बी में, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बी का होगा, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो गया, बी इज ग्रेटर देन
ए। तो बताओ यदि हम बात करें कि कौन ज्यादा इफेक्टिव हुआ, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, यही बात चल रहा है ना, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा हो रहा है, ए में या बी में? ए में। बी में तो क्रॉस कर रहा है, करने नहीं दे रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्रॉस कर रहा है। समझ में आया? तो कह सकते हैं कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो इन दिस केस, नॉर्मल कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इस बार यहां का बॉन्ड लेंथ को निकालना है, ये ए है और ये बी है। चलो बोलो जी, अब इसमें क्या होगा, ये क्या है, नॉर्मल या क्रॉस है? नॉर्मल कंजुगेशन है, ये क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर जाएगा और ये क्या करेगा, यहां आएगा। ऊपर जा रहा है तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू, समझ में आया, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, ये भी ऊपर जा रहा है और ये यहां आ रहा है और ये यहां आ रहा है। अब ऐसा समझो कि एक ही गली है, उधर से भी मोटरसाइकिल आ रहा था, इधर से भी मोटरसाइकिल आ रहा था, तब दोनों क्या कर रहा था, क्रॉस किया, टकराया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। लेकिन अब टकराने से पहले ही एक नया रास्ता इधर आगे की ओर खुला, ऐसा। तो अब क्या होगा, ये इधर से भी आ रहा है, ये इधर से भी आ रहा है, तो दोनों का यहां क्या लगेगा, कंबाइंड। समझ में आया, कंबाइंड लगेगा। तो इस वाले पोजीशन पे तो क्रॉस कर रहा था, लेकिन इस वाले पोजीशन पे क्या लगेगा, कंबाइंड। समझ में आया, मान लो इधर से 70 का आ रहा था, इधर से 50 का आ रहा था, तो दोनों यहां पे कंबाइंड लगेगा, 70 प्लस 50, टोटल कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, या मान लेते इधर भी तुम्हारा 50 ही था, 70 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 140। इसका इधर से कितना था, केवल 70, और इधर कितना रहेगा तुम्हारा, 140। तो बताओ किधर ज्यादा रेजोनेंस होगा, इस पोजीशन पे, एट दिस पोजीशन, किसमें होगा, बी में होगा। और इसमें हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा हो रहा है, बोलो, बी में, एट दिस पोजिशन। अरे कंबाइंड बताएं तो अभी, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्टेड हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, अरे भैया तो किस में, ए में या बी में, बी में ना। यहां भी क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी वाला डबल बॉन्ड से सिंगल में जा रहा है, तो ज्यादा किस में जा रहा है, इसमें, क्योंकि कंबाइंड लग रहा है नेट। तो क्या अब इसको हम लोग कह सकते हैं, इन दिस कंडीशन क्रॉस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल कंजुगेशन। इन दिस केस क्रॉस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन द
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, सॉरी नॉर्मल कॉन्जुगेशन, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है? बताओ जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड एनर्जी। तुम लोग का हाल ऐसा हो गया ना, पूछिए मत, बस बताते रहिए, पढ़ाते रहिए। इसको लिए ए और इसको लिए बी, बॉन्ड लेंथ निकालना है, निकालो, या इसका इससे लिए, इस बार ये बी है, बॉन्ड लेंथ निकालो। बताओ क्या होगा? B is greater than bond length किसका ज्यादा होगा? B का ना, पक्का ना? B is greater than क्या होगा? A। क्यों? क्योंकि यहाँ तो क्या लगेगा तुम्हारा? नेट लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? नेट लगेगा। और नेट लगेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। और यहाँ हो क्या रहा तुम्हारा? डबल बॉन्ड, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ भी हालांकि सेम चीज हो रहा है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये नेट लग रहा है और नेट के कारण ही वो ज्यादा होगा, मोर इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन देते हैं और ये हो जाए, हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ ही निकालना, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है किसका ज्यादा होगा। ए में तुम्हारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री। Which one is the example of cross conjugation? ठीक है, बनाओ
चलो जी हुआ, क्या है इसका आंसर? बॉन्ड लेंथ इसका निकालना था, बॉन्ड लेंथ। अच्छा यहाँ पे लिखे ही नहीं ना किसके किसके बीच का, सेकंड वाला ऊपर दोनों का, ये वाला पॉइंट बॉन्ड लेंथ, इसमें निकालो बॉन्ड एनर्जी। इसमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। चलो बताओ किसका होगा ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ए का या बी का? बोलो जी किसका होगा बॉन्ड लेंथ? ये यहां आएगा ना, ये कहां जाएगा यहां, और ये कहां जाएगा यहां, और ये या तो इधर की ओर जाएगा नहीं तो इधर। चलो इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन में आएगा। डबल बॉन्ड क्या हो रहा, किसमें कन्वर्ट हो रहा, सिंगल बॉन्ड में। यहां भी डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्टेड हो रहा, सिंगल बॉन्ड में। तो बताओ आंसर क्या आएगा? यहाँ तो क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा, क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस हो रहा तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तो यहाँ रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा अच्छे सिंगल बॉन्ड में। सोच लो अभी भी, देख लो क्या होगा। क्योंकि ये जब यहाँ टूट करके जाएगा, यहाँ क्या बनेगा निगेटिव, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी इधर की ओर बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये भी इधर की ओर बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो क्या होगा, क्रॉस होगा, होगा ना। लेकिन इस पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा, तुम्हारा क्रॉस हो रहा, और क्रॉस हो रहा तो डबल बॉन्ड अच्छे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ आसानी से कन्वर्ट हो पाएगा, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, ए का। तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें बताओ, इसमें दोनों तरफ ये नॉर्मल कंजुगेशन है या क्रॉस कंजुगेशन है, नॉर्मल या क्रॉस है? क्रॉस कैसे, एक ही तरफ से तो रेजोनेंस में है, दूसरे तरफ से कहाँ रेजोनेंस में है? कुछ भी बोलते हो भाई, किधर से, इधर से इधर जा रहा है, और इधर से कुछ नहीं है, लेकिन इधर से, इधर से भी, इधर से भी है। ए और बी में बताओ किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, अच्छा सॉरी बॉन्ड एनर्जी पूछे इसमें, ए का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ निकाल के उल्टा करो, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इंटू सिंगल है ना, और यहाँ पे भी डबल कन्वर्टेड इंटू सिंगल, लेकिन यहाँ तो नेट लगता है ना, तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इंटू सिंगल कहाँ पे अच्छे से होगा, इसमें, उसमें अच्छे से नहीं होगा, यानी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा या कम, ज्यादा। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, बॉन्ड एनर्जी जो है वो सिंगल बॉन्ड में कम होता है, डबल बॉन्ड में ज्यादा लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूती, ऐसे भी समझ सकते हो। तो बताओ किसमें होगा बॉन्ड एनर्जी, किसमें, ए में ना, अरे यहाँ तो नेट फोर्स से ऊपर ले जाएगा उसको, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो डबल बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, A is greater than B. यहाँ which one is more acidic? Acidic निकालने के लिए क्या बोलते थे? Remove H plus ion. तो इसका हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? यहाँ का निकलेगा, यहाँ का मत निकाल देना, क्योंकि हाइड्रोजन H plus लेकर के निकलता है, और H plus लेकर के निकलेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा कार्बन पे, और कार्बन पे निगेटिव आएगा तो इस लोन पेयर के साथ रिपल्सन होता है, इसलिए कभी भी कार्बन से लगा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
उसी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन मत निकालने का कोशिश कर देना, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला। और ये तुम निकालोगे तो क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये देखो H, और यहाँ रेजोनेंस भी है ना, स्टेबिलिटी भी मिल रहा है इसको, रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी। और इसका कहां से निकलेगा? किनारे से या बीच से? किनारे से यदि निकालोगे तो एक ही जगह से रेजोनेंस करेगा, और यदि बीच से निकालोगे इस वाले से तो देखो तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये तुम्हारा CH3। देखो ये दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा, समझ में आया? तो कहां रेजोनेंस ज्यादा है, ए में या बी में? अरे बोलो जोर से, बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, ए में या बी में? ए में रेजोनेंस ज्यादा है, बी में ना, दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है ना, तो बी में रेजोनेंस ज्यादा। स्टेबिलिटी किसको मिलेगी, ए वाले निगेटिव को या बी वाले निगेटिव को? बी वाले निगेटिव का एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक कौन होगा, ए वाला या बी वाला? बी वाला ना। रिमूव H प्लस एन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इफ द एनायन इज मोर स्टेबल देन इट्स कंपाउंड इज मोर एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनायन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, यानी बी इज मोर एसिडिक देन एन, ए एसिडिक कैरेक्टर है। बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन ये है, विच वन इज क्रॉस कॉन्जुगेट सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेट सिस्टम कौन है तुम्हारा? ये वाला होगा क्या? पॉजिटिव के तरफ ही होगा, ये पॉजिटिव आया, ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, क्रॉस है ये, निगेटिव से दूर भागेगा, ये देखो यहाँ निगेटिव है तो ये इससे दूर भागेगा, नॉट क्रॉस कॉन्जुगेशन, नॉट एग्जाम्पल, ये इसके लिए बात बोल रहे हैं, नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये बताओ पॉजिटिव होगा क्या, इधर से भी आएगा डबल बॉन्ड, इधर से भी क्रॉस है ये नहीं होगा, ये है हाँ होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ आना चाहेगा, ये यहाँ, ये क्रॉस का एग्जाम्पल है, क्रॉस इस पढ़ क्या हो अच्छे से, चलो जो पूछना आप पूछो, आज के लिए बस इतना ही। आपने कुछ समझाओ सब।